हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सो मिस आर्ट। तो आज हम आपके साथ कार्डबोर्ड बॉक्से दो ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और फिर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेकर उसके अंदर वाले पोर्शन को मैं आर्ट पेपर से कवर कर दिया, और फिर कवर करने के बाद मैं एक कार्डबोर्ड को लेकर कार्डबोर्ड की एक साइड में उठा दिया, और फिर इस तरह हो गया। तो इसे अब मैं कुछ छोटा छोटा पीसेस कट कर लेंगे, इसीलिए पहले मैंने पेन से मार्क कर लिया, और फिर इसी तरह करके मैं छोटा छोटा पीसेस कट कर लिया। और अब मैंने इसके बाहर वाला पोर्शन को जो छोटा छोटा पीसेस कट कर लिया था उसे इस तरह करके लगा देंगे ग्लू के हेल्प से, और पूरी तरह मैं इसी तरह करके उस कार्डबोर्ड का जो छोटा छोटा पीसेस था उसे इसी तरह करके लगा दिया। और अब मैंने वो कार्डबोर्ड थोड़ा लंबा वाला लेकर ग्लू लगा के इसी तरह रोल रोल करके मैं इसके लेग्स बनाऊंगी। और इसे ड्राई होने के लिए मैं रबर को अटक दूंगी। इसी तरह करके मैंने 4 स्टैंड रेडी कर लिया, और अब मैंने इसे ब्राउन कलर लेकर इस कार्डबोर्ड को बाहर वाले पोर्शन को कलर कर दूंगी। और लेग्स को भी मैं कलर कर दिया। अब मैंने ग्लू लेकर इस स्टैंड को मैं चारों साइड में लगा दूंगी। सो हो गया मैं रेडी मेरा आज का फर्स्ट ऑर्गेनाइजर। तो इसे हम मैं डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं सेकेंड DIY बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं इस चॉकलेट बिस्किट का पैकेट को लिया है, और फिर इसके एक साइड को मैं कट कर लूँगी, और कट करने वाला पार्ट में इसके नीचे ग्लू से लगा दूँगी, इसे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं आइसक्रीम स्टिक को लेकर मिडिल में कट कर लिया, और फिर इसी तरह करके कई सारी कट कर लिया। तो अब मैं इस बॉक्स के चारों तरफ एक के पास एक इसी तरह करके लगा दूंगी। इसी तरह करके मैंने चारों साइड आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया, और मैं पहले जो और एक आइसक्रीम स्टिक का कप बनाया था उसके इस छोटे छोटे पार्ट था तो उसे मैं रख दिया था। अब मैंने इसे इसी तरह करके कट करके छोटा छोटा हार्ट शेप रेडी कर लिया, और मैं कुछ फ्लावर बना लूँगी ग्लू के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं 3 फ्लावर्स और जो साइड वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैं 1 फ्लावर ऐड कर दिया, और फिर इसके नीचे वाले पोर्शन के मैं एक स्टिक आइसक्रीम स्टिक को लगा दिया। तो इसी तरह करके मैंने चारों साइड रेडी कर लिया, और अब मैंने इसके अंदर वाले पोर्शन में मैं 3 पार्ट में डिवाइस करूँगी। तो इसके लिए एक कार्डबोर्ड को लेकर वो और भी कुछ स्टिक लेकर
मैं इसी तरह करके दोनों साइड में लगा दूंगी। और कुछ देर तक इसे ड्राई होने के लिए रख दिया। और इसी तरह करके मैंने दो पार्ट रेडी कर लिया। क्यों Thank you.